हाई एवरी वन आई दाली योर सूरज मुखी ए के ए योर बॉटनी मास्टर टीचर वेलकम ऑल ऑफ यू टू द नीटेक्स चैनल आप सबका स्वागत है हमारे नीट एक्स चैनल में कैसे हो बचा पाटी सब कुछ सही सब बढ़िया एकदम घर में आई होप आपकी तबीयत आपकी हेल्थ पढ़ाई सब कुछ ऑन पॉइंट चल रहा है और आप मज़े में मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं उसी पढ़ाई को एक थोड़ा सा पुश करने के लिए धक्का देने के लिए मैं आ गई हूं लेकर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एक चैप्टर का शॉर्ट वीडियो विच इज ऑन फंगस दिस वीडियो विल कंटेन एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू हैव टू नो अबाउट फंगस विद रिस्पेक्ट टू द नीट परस्पेक्टिव अगर मैं बात करूं आपके फंगस किंगडम की तो फंगस को तो हम सब जानते हैं हम बोलते हैं कि फंगस चीजों पर ग्रो करता जाता है फंगस चीज़ों पर ग्रो करता जाता है है ना तो फंगस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकता है और अगर आप आगे जाकर लेबोरेटरी में जब आप रिसर्च करोगे आप फंगस को ग्रो करोगे पेट्री प्लेट्स में यू विल सी न्यूमरस टाइप्स ऑफ फंगस विद डिफरेंट कलर्स आप किसी कलर का नाम लो ब्राउन येलो ग्रीन ब्लू व्हाइट ग्रे आपको हर कलर की फंगस की कॉलोनीज मिल जाएंगी तो फंगस इंक्लूड्स माइकोलॉजी फंगस की जब मैं स्टडी करती हूं तो मैं उसके लिए क्या यूज करती हूं टर्म बेटा माइकोलॉजी माइकोलॉजी तो बेसिकली माइको वर्ड हमारा फंगस से रिलेटेड है तो आज इस लेक्चर में वी विल टॉक एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट फंगस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हम तीसरे किंगडम को आज पिक कर रहे हैं हम लोग किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा ऑलरेडी कर चुके हैं इस वीडियो में आपको मिलेगा किंगडम फंगस से रिलेटेड एवरीथिंग यू हैव टू नो अलोंग विद द इंट्रोडक्शन ठिकाने तो लगाना टॉपिक है हमारा फंगस जिसमें हम देखेंगे हमारे जनरल फीचर फंगस के और उसके बाद फंगस के चार टाइप्स के साथ डील करेंगे विच इज फाइकोमाइसिटीज एसकोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज एंड द फोर्थ वन इज ड्यूटेरोमाइसिटीज तो इन चार फंगस ग्रुप्स को हम देखने वाले हैं लेकिन पहले मैं आ गई मेरे फंगस के बेसिक फीचर्स पर है ना कि फंगस है क्या मैम हमें फंगस के बारे में नहीं पता तो मुझे बताओ चुपके से वीडियो देख रहे हो तो क्या आप भी मेरी तरह मशरूम लवर हो के नहीं आई एम अ ह्यूज ह्यूज मशरूम लवर सो आई वॉन्ट टू नो कि जो बच्चे यू माइट नॉट लाइक इट इट्स ओके बट जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आई वॉन्ट टू नो इफ यू लाइक यस मशरूम्स और नो मशरूम्स बिकॉज मशरूम्स बिलोंग टू माई फंगस कैटेगरी जो आज हम पढ़ रहे हैं ठीक है तो इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ अपना लेक्चर एकदम बढ़िया से बचा पार्टी अगर मैं कर रही हूँ किस चीज की बात अगर मैं कर रही हूँ फन जाए की बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये मेरी फंगस है हेटरोट्रॉफिक है आपको पता है हेटरोट्रॉफिक वर्ड हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं हेटरोट्रॉफिक बोले तो यह अपना खाना खुद नहीं बना सकती है कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड इट कैन बी अ सेप्रोफाइट। इट कैन बी अ सेप्रोफाइट। और पंगस कैन ऑल्सो एक्ट एज डिकम्पोजर अब यह सेप्रोफाइट क्या होता है सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें ऑर्गेनिजम्स डेड और डीकेइंग मैटर पर फीड करते हैं फंगस भी ऐसे ही करती है फॉर एग्जांपल आप सोचो कि आपके टिफिन बॉक्स में आप खाना लेकर गए थोड़ा सा खाना बच गया आप अपना टिफिन बॉक्स निकालना भूल गए अब एका दिन के अंदर सैटरडे संडे आ गया आपके टिफिन बॉक्स के अंदर खाने के ऊपर फंगस ग्रो कर जाएगी तो फंगस ने किस चीज पर ग्रो किया डेड और डीकेइंग मैटर पर ही तो ग्रो किया उसी न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं या फिर सैप्रोफिटिक तो न्यूट्रिशन यहां पर सेप्रोफाइट का क्या मतलब है दैट इट ऑन डेड एंड कि ये किस पर ग्रो करती है फंगस डेड और डीकेइंग मैटर जैसे कि मेरे टिफिन बॉक्स का खाना एक तरीके से तो ये हुआ फंगस का न्यूट्रिशन अब ऑब्वियसली ये खाना नहीं बना पा रही है फंगस तो इनके अंदर क्लोरोफिल क्या रहेगा एबसेंट रहेगा फंगस के अंदर क्लोरोफिल नहीं है अपना खाना नहीं बना रही बच्चा पार्टी फंगस के अंदर मेरी सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट की तरह लेकिन वो जो वॉल है वो किस चीज की बनी है वो एक कंपाउंड की बनी है जिसे हम बोलते हैं काइटिन प्लांट में सेल वॉल किस चीज की बनी सेल्यूलॉस की फंगस में सेल वॉल किस चीज़ की बनी काइटिन की, की, की. इसीलिए हम लोग काइटिन को फंगल सेल्यूलॉस कहकर भी बुला देते हैं क्या कहकर फंगल सेल्यूलॉस कहकर भी बुला देते हैं तो फंगस की सेल वॉल किस चीज की बनी काइटिन क्लोरोफिल नहीं है अपना खाना ये खुद नहीं बना सकते हैं अब आप बोलोगे कि मैम फंगस है कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हमें थोड़े से एग्जाम्पल बता दो तो मैं बोलूंगी कि फंगस कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है तो सुनो पहली चीज पहली चीज अगर मैं बात करूं वीट की वीट बोले तो गेहूं बेटा गेहूं के अंदर रस्ट लग जाता है डिजीज लग जाता है वो एक फंगस की वजह से ही है जिसका नाम है पक्सीनिया जिसका नाम है पक्सीनिया उसके अलावा अगर मैं बात करूं मस्टर्ड की सरसों की तो मस्टर्ड पे एक डिजीज हो जाता है जिसपे उसके ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स नजर आएंगे आपको वो भी एक फंगस की वजह से है उस फंगस का नाम है जैसे कि एलब्यूगो उस फंगस का नाम क्या है एल्ब्यूगो इसके अलावा आपने सुना होगा कि मेरी एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन वो भी एक फंगस से बनी जिसका नाम क्या है फंगस का पेनिसिलियम पेनिसिलियम फंगस से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनी इसके अलावा और सोचो मैम हमने सुना है कि फंगस यूज होती है बियर बनाने में हार्ड ड्रिंक्स और साथ में मेरी बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर तो बेकिंग वगैरह बियर मेकिंग में जो मेरी फंगस यूज होती है उसका नाम है ईस्ट जिसको हम हिंदी में खमीर भी बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं खमीर यह फंगस फर्मेंटेशन दिखाती है और ब्रीइंग इंडस्ट्री बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होती है इसके अलावा मैंने फंगस को और एक दो जगह पढ़ा याद करो आपने एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़ा लाइकन क्या नाम है लाइकन लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें आपको एलगे मिलता है और फंजाई यानी कि फंगस मिलता है इसके अलावा आखिरी चीज है माइकोराइजा। माइकोराइजा मैंने आपको बताया माइको वर्ड का फंग मतलब फंगस होता है राइजा का मतलब रूट्स तो ये किसका एसोसिएशन है एक तो रूट्स है किसके रूट्स बेटा रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन किसके साथ के साथ इसका पर्पस क्या होता है क्यों होता है हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसे कवर कर लेंगे तो दिस इज द लिस्ट कि आप कहाँ फंगस को देखते हो इसके अलावा जो हम बटन मशरूम खाते हैं उसको अगैरिकस बोला जाता है उसकी क्लास आएगी तो हम उसे भी पढ़ेंगे तो ये वो जगह है जहां पर मैं फंगस को देखती हूँ अब आप बोलोगे कि मैम मैं फंगस का नाम लेता हूं तो मैं इमेजिन नहीं कर पाता कि उसकी प्लांट बॉडी कैसे दिखती है सॉरी फंगस की बॉडी कैसे दिखती है आई वोंट यूज द टर्म प्लांट बॉडी हियर तो अगर मैं बात कर रही हूं फंगल की बॉडी की किस चीज की बात कर रही हूं सपोज मैं अगर मैं बात कर रही हूं फंगल की फंगस की बॉडी की तो जो फंगस की बॉडी है बेटा वो बनी है कुछ फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कुछ फिलामेंटस फिलामेंटस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको मैं क्या नाम देती हूं हाइफे क्या नाम देती हूं हाइफे इसका मतलब आपने ब्रेड पे फंगस लगी हुई देखी बेटा अगर जो ब्रेड पर फंगस है मैं क्या करूं एक निडल लू उसको बस टच करूं ब्रेड पे लगी हुई फंगस से उसको एक स्लाइड पे रखूं एक ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर और उसको विजुअलाइज करूं माइक्रोस्कोप के अंदर तो मुझे लंबे लंबे से देखो ऐसे थ्रेड लाइक -like स्ट्रक्चर मिलेंगे क्या मिलेंगे मुझे ऐसे थ्रेड लाइक -like स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे तो ये जो मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या हैं बेटा इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं हाइफी क्या बोलते हैं इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को जिससे फंगल बॉडी बनी है इन्हें हम बोलते हैं हाइफी जैसा आप यहां पर देख रहे हो कि हाइफी का एक कंप्लीट नेटवर्क बन गया तो अगर मैंने बोला अगर इस हाइफी ने क्या बना लिया एक पूरा नेटवर्क एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लिया तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगी माइसीलियम इज एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ हाइफी तो हाइफी के नेटवर्क को क्या बोलते हैं माइसीलियम तो ये माइसीलियम से ही मेरी फंगस की बॉडी बनी है इसके अलावा एक और चीज समझो कि जब मैंने बात की हाइफी की हाइफी विल बी ऑफ टू टाइप्स ये कितने टाइप के होंगे दो टाइप के पहले टाइप को मैंने बोला सेप्टेट दूसरे टाइप को मैंने बोला एसेप्टेट ये सेप्टेट एसेप्टेट क्या है ये समझो जरा अगर मैंने बनाया आपके लिए ये हाइफे ये न्यूक्लियस क्रॉस वॉल न्यूक्लियस क्रॉस वॉल न्यूक्लियस क्रॉस वॉल तो आप देख रहे हो कि ये क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है जो न्यूक्लियस को डिवाइड कर रही हैं इन क्रॉस वर्ड्स को ही मैं सेप्टा बोलती हूँ क्या बोलती हूँ सेप्टा तो सेप्टेट हाइफी में क्या प्रेजेंट है ये क्रॉस वॉल्स यानी कि सेप्टम क्या है मेरे पास प्रेजेंट क्रॉस वॉल्स मेरे पास क्या है बेटा क्रॉस वॉल्स मेरे पास प्रेजेंट है वहीं अगर मैं एसेप्टेट सेप्टेट हाइफे की बात करूं तो इसमें मेरे पास सेप्टा यानी कि क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट ही नहीं है मैं क्या बोलूंगी कि यहां पर प्टा इज एबसेंट यहां पर क्रॉस वोल्स मेरे पास नहीं है क्रॉसवॉल्स नहीं है तो हाइफे हो गया एसेप्टेट एक्सको मैंने बोला बेटा ये जो सीनोसिटिक वर्ड मैंने यूज किया इसका मतलब है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अब देखो इस हाइफे में न्यूक्लियस के बीच में क्रॉस वोल नहीं है क्रॉस वॉल नहीं है तो सीनोसिटिक कंडीशन जो आप देख रहे हो इसको हम क्या बोल देते हैं इसको हम बोल देते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्या बोल देते हैं इसे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अब हम चलते हैं ये देखने के बाद मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देख ली इसके बाद मैं बात कर रही हूं मेरे फंगस में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की किसकी बात करेंगे इंट्रोडक्शन में हम आखिरी चीज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंगस अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करती हूं तो रिप्रोडक्शन के होते हैं तीन टाइप्स वन टू थ्री वन टू थ्री मेरा पहला टाइप रहता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दूसरा एसेक्जुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा रहता है मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो प्रोसेसेस से होता है एक को मैं बोल दूंगी फिजन कि एक फंगस की बॉडी दो में टूट गई जैसे ईस्ट दो में डिवाइड हो गया तो मैं फिजन देखूंगी या फिर बडिंग फिजन और बडिंग आ जाएंगे वेजिटेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में एसेक्जुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पोर्स बनते हैं जैसे कि मैं बोलूं कोनीडिया क्या बोलूं कोनीडिया बन जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजियो स्पोर्स बन सकते हैं और सोचो जू स्पोर्स बन सकते हैं तो ये सारे के सारे स्पोर्स आ जाएंगे ए सेक्जुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन से स्पोर्स मैंने बोला कोनीडिया स्पोरेंजियो स्पोर्स जू स्पोर्स जू स्पोर्स का मतलब क्या है देखो जू वर्ड के अंदर ही एनिमल का जिक्र है एनिमल्स क्या होते हैं मोटाइल इसीलिए जू स्पोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो मोटाइल रहेंगे स्पोरेंजियम का मतलब होता है स्पोर सैक इसीलिए स्पोर्स वो हैं जो किसी सैक के अंदर प्रेजेंट रहेंगे किसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे किसी सैक के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो इन स्पोर्स की हम ग्रेजुअली बात करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स का नाम है ऊस्पोर बेटा डबल ओ एस पी ओ आर ई ऊस्पोर एस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर क्या नाम है ऊस्पोर एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर अब ध्यान से देखिए मैंने देख लिया वेजिटेटिव फिजन और बडिंग से एसेक्सुअल कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स स्पोर, जू जूस्पोर्स और भी स्पोर्स हो सकते हैं सेक्सुअल स्पोर्स में ऊस्पोर एस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर बार बार मेरे साथ बोलिए ताकि नाम याद हो जाएं। अब अगर मैं देखूं आखिरी चीज हमारे इंट्रोडक्शन में कि मैम आप हमें बता दीजिए कि मेरे स्टेप्स क्या होते हैं किस चीज के स्टेप्स बेटा मेरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या स्टेप्स कवर होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या स्टेप्स कवर होते हैं तो पहले स्टेप को पहले स्टेप को हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी दूसरे स्टेप को बोलेंगे कैरियोगेमी और तीसरे स्टेप को बोलेंगे मियोसिस तीसरे स्टेप को क्या बोलेंगे मियोसिस पहले को क्या बोला प्लाज्मोगेमी दूसरे को कैरियोगेमी तीसरे को मियोसिस और हम इसे डिस्क्राइब कैसे करेंगे चलिए ये देख लो हम इसे डिस्क्राइब कैसे करेंगे ये देख लो प्लाज्मोगेमी मतलब दो साइटोप्लाज्म्स का फ्यूज होना तो सपोज करो बेटा कि मेरे पास इन द स्टार्टिंग इन द स्टार्टिंग क्या था एक हाइफे ये है और दूसरा हाइफे ये है इसको प्लस लिख देती हूँ इसको माइनस की ये अलग अलग स्ट्रेन के हाइफे हैं अब मैंने स्ट्रेन क्यों बोला क्योंकि बेटा फंगस में मेल और फीमेल इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी अभी की मेल फंगस फीमेल फंगस तो मैंने प्लस माइनस से दो अलग अलग हाइफे के स्ट्रेन दिखा दिए कि दे हैव डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोजिशन अब मैं प्लाज्मो की बात करूंगी तो इनके साइटोप्लाजम्स फ्यूज करेंगे जो ये सबसे आगे हैं तो प्लाज्मोगेमी के बाद सोचो बेटा मेरे को क्या मिलेगा प्लाज्मोगेमी के बाद आई विल गेट समथिंग विच लुक्स लाइक दिस समथिंग विच लुक्स लाइक दिस आपने देखा कि सेंटर वाले ये जो सेल है उसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं क्योंकि ये और ये सेल फ्यूज कर गए हैं सेल फ्यूज कर गए न्यूक्लियस ने अभी फ्यूज नहीं किया क्योंकि न्यूक्लियस कब फ्यूज करेगा कैरियोगेमी कैरियो Karyo मतलब न्यूक्लियस कैरियोगेमी मतलब यहाँ पर क्या फ्यूज करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन तो यहां होगा ना कैरियोगेमी में तो अब देखो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा ऐसा हाइफे और बीच में जो न्यूक्लियस है अब वो क्या होगा 2n होगा n की जगह क्या होगा 2n क्योंकि ये वाला न्यूक्लियस भी n था ये वाला न्यूक्लियस भी n था एक सेल में दो एन न्यूक्लियस होने को हम बोलते हैं स्टेज क्या बोलते हैं स्टेज मैंने बोला पहले दो पास पास आए ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखानी है हाइफे को फ्यूज करना पड़ेगा भाई हाइफे ने फ्यूज किया हाइफे के साइटोप्लाज्म्स फ्यूज हुए प्लाज्मोगेमी हो गया अभी भी न्यूक्लियस अलग अलग हैं एन अलग एन अलग एक सेल बना जिसमें दो न्यूक्लियस है उसको बोला, स्टेज। क्या बोला? स्टेज। ये स्टेज, मुझे दो क्लासेस में फ्यूजन बोले तो कैरी दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए एक टू एन न्यूक्लियस बन गया अब इस साइकिल को पूरा करने के लिए इस टू एन को वापस एन में कन्वर्ट होना पड़ेगा तो जब ये टू एन स्ट्रक्चर वापस एन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को मैं बोल देती हूं तो मेरे यहां पर के तीन पहला प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी मियोसिस मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बुलाते हैं क्यों क्योंकि वो क्रोमोसोम्स के सेट्स का नंबर हाफ कर देता है टू एन से एन कर देता है इसलिए तो ये था मेरा फंगस का इंट्रोडक्शन एवरीथिंग यू नीड टू नो लेट्स गो टू स्लाइड मैंने बोला कि हेट्रोट्रॉफिक है सेप्रोफाइट है, पर फीड करेगी, यहां यहां पर मिलती है, है, पर पर करेगी, मिलती की 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 बनी है, फंगल बोलते है की की बनी, बोलते हैं उसे, ने, ने नेटवर्क बना के माइसीलियम बनाया हाइफे के दो टाइप्स होते हैं सेप्टेट और एसेप्टेट एसेप्टेट कंडीशन आने से सेप्टा नहीं रहेगा सेप्टा नहीं रहेगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे बहुत सारे न्यूक्लियस होने से मल्टीन्यूक्लियेट कंडीशन जनरेट हो जाएगी उसके बाद मैंने बात की रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होगा फिजन और बडिंग से एसेक्सुअल होगा कोनिडियोस्पोर्स स्पोरेंजियोस्पोर ज़ूस्पोर से ज़ूस्पोर मोटाइल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्पोर्स से होता है जैसे कि ऊस्पोर एस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स बता दो मैडम स्टेप्स क्या होते हैं दो हाइफे के साइटोप्लाज्म फ्यूज किए न्यूक्लियस फ्यूज किए रिडक्शन डिवीजन हुई हुई मियोसिस टू रीजनरेट द न्यूक्लियसॉइड और एन नंबर अगेन जिसके साथ हो जाता है फंगस का इंट्रोडक्शन खत्म जिसके साथ क्या हो जाता है फंगस का इंट्रोडक्शन एकदम खत्म और मैं गई अपने अगले पेज पर जिसने सीधा मुझे दिखाया कि ये फाइकोमाइसिटीज क्या है भाई क्या है फाइकोमाइसिटीज क्या है तो एक चीज समझिए कि जब मैं बात कर रही हूं अपने फंजाए की फंजाए की तो मैं उसे कुछ कुछ बेसिस पर जैसे वन टू थ्री कुछ कुछ बेसिस पर जैसे कि पहला बेस हो गया मोरफोलोजी ऑफ माइसीलियम कि जो मेरी फंगस की बॉडी माइसीलियम से बनी उसकी मोरफोलॉजी कैसी है स्पोर बनने का मोड क्या है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है और फंगस के अंदर कुछ फ्रूटिंग बॉडी बनती हैं क्या बनती है कुछ फ्रूटिंग बॉडी बेटा फ्रूटिंग बॉडी में ना बेसिकली स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं ये मैंने आपको प्रोटिस्टा में भी बताया था स्लाइम मोल्ड्स के अंदर तो फ्रूटिंग बॉडी मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन मोरफोलॉजी ऑफ माइसिलियम के बेसिस पर मैं अपनी फंगस को डिवाइड करती हूं चार क्लासेस के अंदर वन टू थ्री एंड फोर चार क्लासेस के अंदर पहली क्लास का नाम रहता है फाइकोमाइसिटीज क्या होता है फाइकोमाइसिटीज दूसरी का नाम रहता है एस्कोमाइसिटीज तीसरी का बेसिडियोमाइसिटीज और आखिरी का ड्यूटेरोमाइसिटीज तो हम आगे जाकर कितनी स्लाइड्स पे अपना चैप्टर खत्म करेंगे चार और स्लाइड्स। जिसमें से पहली स्लाइड है फाइकोमाइसिटीज दूसरी एस्कोमाइसिटीज तीसरी बेसिडियो और चौथी है मेरी ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो हम किससे स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्दी से बताओ अब हम किससे स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम शुरू करेंगे अपनी फाइकोमाइसिटीज़ से। बेटा इतना समझना जरूरी है कि यहां फाइको का मतलब होता है एलगे फाइको आप कहीं भी देख लेना फाइको का मतलब ही अलगे होता है तो फाइकोमाइसिटीज माइसिटीज का मतलब क्या होता है फंजाए तो फाइकोमाइसिटीज को आप प्यार से क्या बोल सकते हो कि ये क्या है एल्गल फंजाए अब आप बोलोगे मैम हम एल्गल फंजाए कहाँ से आया बेटा एन ने इतना एक्सप्लेन नहीं किया है बट आपको पता है कि फंगस में सेल वॉल काइटिन की होती है लेकिन इस ग्रुप के एक आधे में वो वॉल प्लांट की तरह सेल्यूलॉस की है इसीलिए हमने इसे एल्गल एल्गल फंगस फंगस के के नाम से के नाम से से किया किया हमने अब इस फंगस को, को जब हम पढ़ेंगे तो हम इसमें कुछ कुछ चीजों की बात करेंगे जैसे कि मेरा पहला पॉइंट रहेगा हैबिटेट क्या रहेगा पहला पॉइंट हैबिटेट रहती है ये दूसरा पॉइंट रहेगा कि इसकी माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट रहेगा इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है बेटा और चौथा और आखिरी पॉइंट मेरा रहेगा कि मैम इसके एग्जाम्पल्स बता दो ताकि फाइकोमाइसिटीज हो जाए खत्म ताकि फाइकोमाइसिटीज हो जाए खत्म तो हम हर चीज को एकदम क्रिस्पली कर रहे हैं समझ गए फाइकोमाइसिटीज हैबिटेट रिप्रोडक्शन और लास्ट में हम क्या देखेंगे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके साथ करते हैं हम फाइकोमाइसिटीज को खत्म तो अगर मैं बात करूं इसके हैबिटेट की किसकी बात करें अगर हम हैबिटेट की तो ये कहा रहेगा ये रहेगा एक्वेटिक हैबिटेट में कहीं पर जहां पर भी पानी हो या फिर मैं बोल दू बेसिकली तो इसे चाहिए क्या इसे डैम्प मॉइस्ट कंडीशन चाहिए मतलब पानी वानी होना चाहिए इसे डैम्प मॉइस्ट कंडीशन चाहिए हैबिटेट में इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा दीज आर क्या पैरासाइट है मतलब मतलब ये plant के बिना रहे ही नहीं सकते हैं. Plant को host की तरह करेंगे और खुद प्लांट से न्यूट्रिशन लेंगे so, के जो मेंबर्स हैं दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स याद रखना माइसीलियम भी इनमें स्पेशल है माइसीलियम इज एसेप्टेट अगर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन आ जाएगी जिसको मैं बोलती हूं एसेप्टेट सीनोसेटिक माइसीलियम जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है अब अगर मैं आ गई रिप्रोडक्शन के पॉइंट पे तो यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और क्या होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन तरीके हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं देवर आइसोगेमी एन आइसोगेमी और ऊगेमी ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं आइसोगेमी का मतलब है जो गेमी फ्यूज कर रहे हैं वो सिमिलर है

सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा फ्यूजन होगा गेमीट्स का और यहां पे मुझे क्या बनता हुआ दिखेगा Zygospore बनता हुआ नजर आएगा फ्यूजन ऑफ गेमीट से तो जाइगोस्पोर वर्ड आप यहीं देखेंगे सिर्फ समझ गए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो रह गया भाई तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेरे जो दो टाइप के स्पोर्स आएंगे उनका नाम क्या है बताओ एक स्पोर का नाम है जूस्पोर और दूसरे स्पोर का नाम है स्पोर। जूस्पोर और स्पोर। अब जूस्पोर का मतलब क्या है मैम आपने बता दिया कि ये मोटाइल रहेंगे मूव कर सकते हैं एपलानोस्पोर्स स्पोर्स क्या रहते हैं बेटा नॉन मोटाइल ये मूव नहीं कर सकते अब इन दोनों स्पोर्स की खास बात यह है कि दे आर एंडोजिनस एंडोजिनस बोले तो कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एंडोजिनस बोले तो किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो मैंने बोला कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हुई जूस्पोर्स से और ए से बट दोनों ही स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो मेरा फ्यूजन ऑफ गेमी होगा फ्यूजन ऑफ गेमीट से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको मैंने क्या बोला Zygospore बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी हो सकता है एन आइसोगेमी या उगेमी डिपेंडिंग अपॉन मेरी फ्यूजिंग गेमीट्स का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बाद आ गया जी लास्ट पॉइंट विच इज एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स लिखे तो एग्जाम्पल पहला है म्यूकर दूसरा है राइजोपस बेटा ये राइजोपस ही है जिसे हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं मतलब कि आपके ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगती है वो एक्चुअली राइजोपस है और वो फाइकोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करती है और लास्ट है एलबियूगो लास्ट क्या है एलब्यूगो बेटा ये वही एलब्यूगो है जो कि मस्टर्ड में क्या करता करता है? डिजीज करता है। डिजीज़ जो कि मस्टर्ड में क्या कॉज करता है डिजीज कॉज करता है तो हमने फाइकोमाइसिटीज में हैबिटेट देखा एक्वेटिक है प्लांट इंपॉर्टेंट पॉइंट माइसिलियम एक लौती फंगस क्लास है जहां पर मेरी माइसीलियम एसेप्टेट है एसेप्टेट होने की वजह से मल्टी न्यूक्लिएट जिसके लिए सीनोसिटिक वर्ड का इस्तेमाल किया रिप्रोडक्शन ए सेक्जुअल जूसपोर और एप्लेनोस्पोर से सेक्जुअल आइसोगेमी एन आइसोगेमी ओगेमी फर्दर क्या बन जाएगा उससे जाइगोस्पोर बन जाएगा एग्जाम्पल्स म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो ये चीजें ऐसे ही ऐसे ही ट्री फॉर्मेट में आपके दिमाग में रहनी चाहिए ठीक है बच्चा पार्टी इतना होने के बाद हम कहा चलेंगे हम चलेंगे अपने नेक्स्ट ग्रुप में बट उससे पहले देख लीजिए कि दिखते कैसे हैं। देखो फाइकोमाइसिटीज के कुछ मेंबर्स आपको ऐसे ऐसे नजर आएंगे ये फंगस मैंने बताया ये कैसी है ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट तो देखो प्लांट को पूरा खा लिया है पूरा कवर कर लिया है दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरी वन अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की एस्कोमाइसिटीज के अंदर हम क्या क्या ग्रुप्स में इसे डिवाइड करेंगे पहले ये देखो एस्कोमाइसिटीज की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी देखने के बाद हम बात करेंगे कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर आपकी माइसीलियम कैसी होगी क्या कैसी होगी माइसीलियम कैसी होगी उससे पहले हम इसके न्यूट्रिशन की भी बात कर सकते हैं बेटा किसकी बात करेंगे उससे पहले न्यूट्रिशन की वन पॉइंट माइसीलियम सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा एज यूजल रिप्रोडक्शन और फोर्थ और लास्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा एग्जाम्पल्स जिसके साथ हम इसे कर देंगे खत्म एग्जाम्पल्स जिसके साथ हम इसे कर देंगे खत्म ठीक है आई होप एवरी वन की हम मैं एक एक कैटेगरी में आपको चीजें बता रही हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे अब इतना समझो कि एस्को माइसिटीज के अंदर जो एस्कस वर्ड है उसका मतलब होता है सैक और माइसिटीज वर्ड का मतलब होता है फंजाए तो ये बेसिकली मेरी सैक फंजाए है इसमें आपको ऐसा सैक जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके अंदर आपको स्पोर्स नजर आएंगे क्या नजर आएंगे जिसके अंदर आपको स्पोर्स नजर आएंगे इस सैक जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्कस और इसके अंदर जो स्पोर्स हैं इनका नाम रहता है एस्कोस्पोर्स इनका नाम रहता है एस्कोस्पोर्स इस फंगस के ग्रुप में मोस्टली सारे के सारे फंगस कैसे हैं मल्टीसेल्यूलर लेकिन एक रेयर एक्सेप्शन है किस चीज का मेरे ईस्ट जी का ईस्ट जी का जो कि क्या है यूनिसेल्यूलर फंगस का एक ऐसा एग्जाम्पल जो यूनिसेल्यूलर है विच इज ईस्ट सैकेरोमाइसिस भी बुला सकते हैं ईस्ट को इट विल बी वन एंड द सेम थिंग तो ये है मेरे एस्कोमाइसिटीज यानी कि सैक फंगस यानी कि सैक फंगस मैंने आपको बताया था कि डाय कैरियॉन स्टेज होता है वो स्पेसिफिकली किसी किसी फंगस में नजर आता है तो वो ही है जहां पर मेरा एस्कोमा स्टेज नजर आता है एस्को में नजर आता है और बेसिडियो में तो मैं दोनों में, में मेंशन कर दूंगी बेटा कि यहां पर मेरा कौन सा स्टेज नजर आता है लेट मी राइट इट प्रॉपरली यहां पर मुझे कौन सा स्टेज नजर आता है डायरेटेज मुझे यहां विजिबिली नजर आता है अब अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो हमें ऑलरेडी पता है कि मेरे फंगस तो सैप्रोट्रॉफ्स है क्या है मेरे फंगस येलो जी दे आर सैप्रोट्रॉप सैप्रोट्रॉफ के अलावा वो डीकम्पोजर हो सकते हैं क्या हो सकते हैं डीकम्पोजर दे कैन ऑल्सो बी पैरासिटिक एवरीवन दे कैन बी प्लांट पे पैरासाइट की तरह एक्ट करें या फिर एक चीज जो मैं सिर्फ इस ग्रुप में पढ़ती हूं दे आर कॉप्रोफिलस दे आर कॉप्रोफिलस कॉप्रोफिलस का क्या मतलब है कॉप्रोफिलस का मतलब है दैट दे कैन ग्रो ऑन डंग डंग समझते हो बेटा एनिमल एक्सक्रीटा कि वो डंग पर भी ग्रो कर जाएंगे उसको बोलते हैं कॉप्रोफिलस तो एस्कोमाइसिटीज में एक नया वर्ड आया कॉप्रोफिलस अगर माइसीलियम की बात करूं बस फाइको में अलग थी यहां पर क्या है सेप्टेट माइसीलियम है सेप्टा प्रेजेंट है सेप्टेट के साथ साथ वो ब्रांच माइसिलियम प्रॉपर प्रोड्यूस हो रही है कोई चक्कर नहीं कोई डिफरेंस नहीं रिप्रोडक्शन की बात करें तो मैम हम दो कैटेगरी बनाते हैं एक होती है एसेक्जुअल रिप्रोडक्शन और इधर अगर मैं लिख दूं अपनी कौन सी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब अगर ए सेक्जुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो वो एक स्पेशल स्पोर से होती है जिसका नाम है कोनीडिया क्या नाम है जिसका कोनीडिया कोनीडिया ऐसा राउंड कलर राउंड होता है बेटा कोनिडिया मेरा जर्मिनेट कर, कर क्या दे देता है माइसीलियम दे देता है कोनीडिया जर्मिनेट करके मेरा क्या दे देता है माइसीलियम कोनीडिया एक एग्जोजिनस स्पोर है एग्जोजिनस मतलब किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं प्रेजेंट है जैसे अगर मैं आपके लिए बनाऊं एक एग्जाम्पल एक मिनट दो मेरे को बेटा अगर मैंने ये एक फंगस बनाई विच इज पेनीलियम तो इसके अंदर आप ये देख रहे हो कि ये कोनीडिया की पूरी चेन बन रही है तो आप देख रहे हो कि ये कोनीडिया किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है कोनीडिया इज एन एग्जोजिनस स्पोर सेक्जुअल के एसेक्जुअल एसेक्ल स्पोर है कोनीडिया पेनीसीलियम जैसे फंगस में ये ऐसे चेन में प्रेजेंट होता है चेन ऑफ कोनीडिया प्रेजेंट होती है कोनिडिया जर्मिनेट करके बनाता है माइसीलियम जर्मिनेट करके क्या बनाएगा माइसीलियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर का, ना, का नाम है एस्कोस्पोर क्या नाम है एस्कोस्पोर? मैंने आपके लिए ऊपर भी एस्कस बनाया एस्कस के अंदर मैंने बना दिए जी ये लीजिए एस्कोस्पोर्स बना दिए ये एस्कस है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है बेटा मेरे बहुत सारे एस्कस मिलकर एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं बहुत सारे एस्कस मिलकर क्या बनाते हैं एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे जिसका नाम रहेगा यहाँ पर एस्को कार्प जिसका नाम रहेगा एस्कोकार्प कार्प का मतलब फ्रूट होता है बेटा कार्प का मतलब फ्रूट होता है तो यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर का नाम क्या है एस्कोस्पोर और ये स्पोर किसी सैक के अंदर है तो ये स्पोर कैसा है एंडोजिनस सैक के अंदर है तो एंडोजिनस स्पोर किस सैक के अंदर एस्कस के अंदर बहुत सारे एस्कस मिलकर एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे जिसका नाम क्या है एस्कोकार्प जिसका नाम क्या है एस्कोकार्प और अब हम देख लेते हैं मेरे स्पेशल एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स में क्या आएगा बेटा बताओ एस्पर जिलस एस्परजिलस याद कर लो क्लेविसेप्स ठीक है एस्परजिलस क्लेविसेप्स ये लो बेटा न्यूरोस्पोरा आ जाएगा मोरल्स और ट्रफल्स आ जाएगा अब ये जो एस्पर्जिलस है, इसे हम बुलाते हैं वीड ऑफ़ लैबोरेटरी क्या बुलाते हैं वीड ऑफ़ क्योंकि ये लैबोरेटरी में फाड़ के ग्रो करती है ग्रो पे ग्रो करे जाएगी करे जाएगी तो एस्परजिल को बोला वीड ऑफ लैबोरेटरी क्लेविसेप्स डिजीज कॉज करती है बेटा राई के अंदर क्लेविसेप्स किसमें राई समझते हो राई के अंदर डिजीज कॉज करता है क्लेविसेप फंगस न्यूरोस्पोरा को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक वर्क के अंदर न्यूरोस्पोरा को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक वर्क के अंदर जैसे आपने सुना होगा कि एनिमल्स में ड्रोसोफिला बहुत ज्यादा यूज होता है जेनेटिक जेनेटिक वर्क में रिसर्च वर्क में वैसे ही यहां पर हम न्यूरोस्पोरा को यूज करते हैं इसीलिए न्यूरोस्पोरा को हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्या बोलते हैं कि जैसे तुम एनिमल किंगडम में ड्रोसोफिला को यूज करते हो ये हमारे किंगडम का ड्रोसोफिला है क्योंकि हम तो सारा रिसर्च वर्क न्यूरोस्पोरा पर ही करते हैं इसीलिए इसे बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम

आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन बिकॉज नाउ आई एम टू द्लास एवरी वन विच इज माई बेसिडियो उससे पहले देखो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स और अलग अलग आपके फंगस जो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं वो कैसे नजर आएंगे बेटा फंगस ना सारे के सारे ही बहुत विचित्र होते हैं सारे के सारे ही बहुत विचित्र होते हैं अलग अलग नजर आएंगे तो ये मेरे कुछ एस्कोमाइसिटीज हैं क्या है एस्कोमाइसिटीज अब हम चलेंगे बेसिडियो माइसिटीज पर किस पर चलेंगे अब हम बेसिडियो माइसिटीज पर चलेंगे अब हम इसमें हम क्या देखेंगे फिर इसमें हम पॉइंटर्स देखेंगे जिन्हें मैं बोलती हूं फर्स्ट देखिए वही अक्रेंस का पॉइंट देख लेंगे दूसरा पॉइंट देख लेंगे कि इनके अंदर माइसीलियम कैसी है तीसरा पॉइंट जी मैम रिप्रोडक्शन का देख लेंगे और लास्ट पॉइंट मेरा हमेशा क्या होता है लास्ट पॉइंट मेरा होता है एग्जाम्पल्स जैसे अभी सब कुछ जितना सॉर्टेड करते आ रहे हैं उतना ही सॉर्टेड रखेंगे नो मोर नो लेस तो इतना समझो कि बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो बेसिडियम वर्ड का मतलब है उसका मतलब होता है क्लब क्लब बोले तो एक बैट जैसा स्ट्रक्चर और माइसिटीज का मतलब होता है का मतलब होता है फंजाई सो दीज आर ऑल्सो नोन एज क्लब फंगस अंस कहां रहेगा इनका सॉइल में मिल जाएगा बेटा ट्री स्टंप में आपको मिल जाएगा ये और वुडन लॉग में मिल जाएगा एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ पैरासाइट पैरासाइट बोले तो ये क्या कॉज करेगी डिजीज कॉज करेगी जिसके सिम्टम्स को हम स्मट या फिर रस्ट दो अलग अलग सिम्टम्स है तो बींग अ पैरासाइट ये प्लांट्स के ऊपर अटैक करेगी और जो सिम्टम्स ये कॉज करेगी उसको हम स्मट या रस्ट बोल सकते हैं माइसीलियम पहले की तरह ही है नो चेंज सेप्टेट ब्रांच्ड माइसीलियम अब रिप्रोडक्शन के अंदर मेरी रिप्रोडक्शन के तीन टाइप्स हैं वेजिटेटिव ए स्पोर्स की मैं बात करूं और मैं अगर सेक्स ऑर्गन्स की बात करूं तो आई विल बी यूजिंग दिस पिंक इंक क्योंकि पिंक में हम पिक्यूलियर चीजें लिख रहे हैं बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसकी कैसे होगी फ्रैगमेंटेशन से कि एक हाइफे ब्रेक हुआ दो में तो दोनों ने नई फंगस बना ली ए स्पोर्स आर एबसेंट एवरी

वेजिटेटिव सेल्स के बीच में क्या हुई प्लाज्मोगेमी हुई उस प्लाज्मी की वजह से बनता बनता है बेटा एस्को में तो बनता ही था यहां पर भी डाय बना इससे मेरे को मिलेगा बेसिडियम इससे मुझे क्या मिलेगा बेसिडियम बेसिडियम के अंदर होगी मियोसिस बेसिडियम के अंदर क्या होगी मियोसिस कितने बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे बेटा चार बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे और ये बेसिडियो स्पोर्स क्या हैं एक्सोजेनस स्ट्रक्चर्स एक्सोजेनस बोले तो अगर मैंने ये एक बैट जैसा स्ट्रक्चर बना दिया बेसिडियम तो इसके ऊपर आपको चार बेसिडियो स्पोर्स मिलेंगे इसके अलावा ये देखिए कि ये जो बेसिडियम है मेरे ये जो बेसिडियम है ये बहुत सारे बेसिडियम मिलकर जो फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है उसका नाम रहेगा बेसिडियोकार्प उसका नाम क्या रहेगा बेसिडियोकार्प जैसे मैंने एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प बोला ऐसे ही बहुत सारे बेसिडियम मिलकर जो फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे उसको बोलेंगे बेटा जो हम यानी कि मशरूम खाते हैं वो क्या है वो एक्चुअली बेसिडियो कार्प ही तो है वो बेसिडियो माइसिटीज से ही बिलोंग करता है अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की किसकी बात करें अगर इसके एग्जाम्पल्स की तो इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे ब्रैकेट फंजाई पफ बॉल ब्रैकेट फंजाए, पफ बॉल मशरूम जिसको मैंने अगेरिकस बोला इसके अलावा यूस्टी लैगो जो कि क्या कॉज करता है यूस्टी लैगो कॉज करता है स्मट जो अपन ने फर्स्ट लाइन में लिखा और यूस्टी लैगो के अलावा याद है आपको क्सीनिया जो कि क्या कॉज करता है रस्ट रस्ट कॉज करता है ठीक है चलिए वन शॉट में देख लेते हैं को मैंने क्या बोला बेसिडियम का मतलब क्लब एक क्लब जैसा स्ट्रक्चर क्लब फंगस अक्रेंस की बात करी सॉइल में मिलेगा ट्री स्टंप में लॉग में पैरासाइट की तरह एक्ट करेगा ऑन द प्लांट क्या कॉज कर सकता है सिम्टम्स मट और रस्ट माइसीलियम बाकी सारी फंगस की तरह सेप्टेट और ब्रांच रहेगी रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन ऑफ हाइफे याद रखो ए स्पोर्स नहीं बनते सेक्स ऑर्गन नहीं बनते फिर रिप्रोडक्शन हुई कैसे प्लाज्मोगेमी ऑफ वेजिटेटिव सेल्स प्लाज्मोगेमी से क्या स्ट्रक्चर बनता है डायकैरियन डायकैरियन से बना बेसिडियम बेसिडियम का तीसरा स्टेप क्या रहता है हमारा मीओसिस होना 2n से n कन्वर्ट करना कितने बेसिडियोस्पोर्स बने चार बेसिडियोस्पोर्स एंडोजेनस के एक्सोजेनस एक्सोजेनस बाहर प्रेजेंट है बहुत सारे बेसिडियम ने मिलकर बनाई फ्रूटिंग बॉडी जिसे बोला बेसिडियोकार्प एग्जाम्पल्स ब्रैकेट फंगस पफबॉल अगारिकस यूस्टिलागो और लास्ट है पक्सिनिया इसके साथ हो जाता है बेसिडियोमाइसिटीज कंप्लीट ठीक है इतना समझ आया सबको हमने क्या कर लिया बेसिडियोसिटीज कर लिया हमने इसके साथ कंप्लीट अब मैं चली अपने एकदम लास्ट ग्रुप की तरफ लेकिन बेसिडियो के दर्शन करने तो बनते हैं देखिए कैसे आपको अलग अलग टाइप के मशरूम्स नजर आ रहे हैं ये एक पैरासिटिक फंगस है बेटा तभी आपको ये ग्रीन कलर का प्लांट नजर आ रहा है और उसके ऊपर ये फंगस की इन्फेक्शन नजर आ रही है तो ये क्या है मेरा बेसिडियोमाइसिटीज है अब हम किसकी तरफ जाएंगे लास्ट चीज विच इज माई ड्यूटेरोमाइसिटीज़ किसकी तरफ जाएंगे पहले इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम लोग बोलते हैं फंजाए इम क्या बोलते हैं इसे हम फंजाए इम अब ये इम परफेक्ट फंगस क्यों है ये इम परफेक्ट फंगस इसीलिए है क्योंकि इसका जो सेक्सुअल स्टेज है या तो वो अननोन है हमें पता नहीं है या फिर वो क्या है एबसेंट है अब इतना समझो सपोज करो कि कोई नई फंगस डिस्कवर हुई अभी उसके सेक्सुअल स्टेज के बारे में कुछ नहीं पता तो मीन वाइल हम उसे किस ग्रुप में रखेंगे ड्यू टेरोमाइसिटीज। दिस इज द डस्टबिन ग्रुप फॉर से डस्टबिन ग्रुप बोल दो कि किसी का सेक्सुअल स्टेज नहीं पता भाई ड्यूटेरो में रख दो सपोज करो विद मोर रिसर्च मेरे को ग्रेजुअली किसी फंगस का सेक्सुअल स्टेज पता लग गया सेक्सुअल स्टेज पता लग गया तो उसे उठाइए और उसे कहाँ रखिए एस्को में रखिए या बेसिडियो में रखिए जहां पर भी बिलोंग करता है वहां रख दो बट जब तक सेक्सुअल स्टेज नहीं पता या तो अननोन है या एबसेंट है तब तक उसको किस में रखना है ड्यूटेरोमाइसिटीज में आई होप एवरीवन दैट दिस मच इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट इसके पॉइंटर्स की बात करें तो भाई वही हमारे सिंपल पॉइंटर्स हैं जो हम पहले करते थे कि सपोज मैंने पहले बात कर ली जी इसके न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशन की फिर हम हमेशा बात करते हैं माइसीलियम की फिर मैम हम किस चीज की बात करते हैं रिप्रोडक्शन की और लास्ट में हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की लास्ट में हम किस चीज की बात करते हैं एग्जाम्पल्स की तो देख लेते हैं न्यूट्रिशन इसका कैसा रहेगा सैप्रोट्रॉफ्स तो ये है ही दे कैन बी डीकोजर्स ऑल्सो दे कैन बी Parasitic also पैरासिटिक Parasitic बोले तो प्लांट को host की तरह करना अब यहां पर मेरा Decomposer का point काफी ज़्यादा रहता है और ये help करते हैं मिनरल्स को रिसाइकिल करने में किसमें हेल्प करते हैं ये मिनरल्स को रिसाइकिल करने में जो मेरी माइसीलियम रहेगी वो नॉर्मल जैसे पहली थी सेप्टेट और ब्रांच रहेगी रिप्रोडक्शन में मेरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बाय कोनिडिया कोनिडिया आपने इससे पहले एस्कोमाइसिटीज में भी पढ़े थे तो याद रखना एग्जाम्पल्स की बात करें तो आ जाएगा ऑल्टरनेरिया ऑल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा और कोलेटो ट्राइकम बेटा ये जो कोलेटो कोलेटो ट्राइकम ट्राइकम है ट्राइकम ये रेड रॉट ऑफ शुगर कोलेटोट्राइकम कॉज करता है कई बार आप गन्ना खा रहे होते हो देखते हो उसमें रेड रेड कलर की लाइंस होती हैं दैट इज एक्चुअली अ फंगल इन्फेक्शन जो कि कोलेटो ट्राइकम फंगस कॉज करती कोलेटो ट्राइकम फंगस कॉज करती है तो इसके साथ क्या हो गया मेरा फंगस इम्परफेक्ट आई कंप्लीट इतना समझे कि जैसे ही मैं इधर ऐड कर देती हूं एक चीज देखिए देखिए इधर एक पॉइंट ऐड कर देती हूं वंस द सेक्सुअल स्टेज इज डिस्कवर्ड वंस द सेक्सुअल स्टेज इज डिस्कवर्ड शिफ्टेड टू एक बार सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हो गया तो उसके बाद मैं उसे शिफ्ट कर दूंगी एस्कोमाइसिटीज में या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में अब पूछो मैंने फाइकोमाइसिटीज का नाम क्यों नहीं लिया बेटा क्योंकि यहां पर भी माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट है फाइको में तो ए सेप्टेट थी इतना तो मुझे ऑलरेडी पता है इसीलिए स्टेज डिस्कवर होते ही मैं उसे देखिए इम्परफेक्ट आए इम्परफेक्ट फंगस मतलब सेक्सुअल स्टेज इज इधर अननोन या पता नहीं है या एबसेंट है उसके बाद न्यूट्रिशन में सेप्रोट्रॉफ डीकम्पोजर है मिनरल रिसाइकिल करेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर है बाकी फंगस में इतना स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ एनसीआरटी में पैरासिटिक है होस्ट की तरह यूज करेगा प्लांट्स को माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड रिप्रोडक्शन में एस्को जैसे स्पोर्स कोनिडिया प्रेजेंट है एग्जांपल्स ऑल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा कोलेटो ट्राइकम कोलेटो ट्राइकम शुगर केन में रेड रॉट कॉज करता है जैसे ही सेक्सुअल स्टेज का पता लग जाएगा वो डिस्कवर हो जाएगा

बहुत बार की मैम ये सवाल बता दो मैम ये समझ नहीं आया कुछ भी आपको क्वेरीज हो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो सो यू कैन गेट बैक टू मी विद एनी डाउट्स दैट यू हैव इसके साथ हमें आगे जाकर क्या करना है एनसीआरटी से ये सब रिवाइज करना है कि भाई मैम ने बढ़िया से पढ़ाया एनसीआरटी पढ़ के कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जो डाउट्स आए वो आपको मुझसे पूछने हैं उसके बाद क्या करना है पपी ट्रीटमेंट आराम से मस्त होके सो जाना है बच्चा पार्टी उसके बाद प्लीज इसके साथ साथ नीटेक्स चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए वीडियोज लाइक कीजिए ताकि हम और बेटर कर पाए हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आए इसके साथ एवरीवन आई वुड बाय यू बाय बाय एवरीवन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्स वेल सी यू वेरी सुन थैंक यू